इंडियन इंडिपेंडेंस डे पे ना मैं नेक्स्ट व्लॉग में ना इंडियन एंथम जो ना सुनाऊंगा, मुझे पूरा आता है। सुनाओ सुनाओ, थोड़ा स्टार्ट करो। स्टार्ट करूं? तो वैसे मैंने पहले भी सुनाया था। जन मन गण, नहीं 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 नहीं, जन गण मन अधिनायक जय, आवाज में सुनाओ ना, कल के लिए भारत भाग्य विधाता। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वेलकम टू माई न्यू आज़ादी व्लॉग। और जैसे कि आज 14 अगस्त है, आप सबको जितने भी पाकिस्तानी है, जहां पर भी है, पाकिस्तान में है या आउट ऑफ कंट्री है, सबको आज़ादी 14 अगस्त मुबारक हो। आज अभी आपका भाई रेडी शेडी होके पाकिस्तानी टी शर्ट पहन के, पाकिस्तानी बॉय बन के, और जो है ना अभी जा रहे हैं कल अम्मी को लेके, नहीं जा पाया था खाला के पास, तो अभी जो ना आज ऑफिस से आया तो क्योंकि मेरा ऑफिस तो वैसे भी ईद हो, वीकेंड हो या कुछ भी फेस्टिवल हो, कोई भी त्यौहार हो, तो मेरा ऑफिस जो है ना ओपन होता है और जो है ना मैं जाता रहता हूँ। तो खैर अभी जो है ना ऑफिस से आया हूँ और उसके बाद व्लॉग कल का एडिट किया है, अपलोड किया है, तो 9 बजे फ्री हुआ हूँ और अभी अम्मी को लेके फाइनली खाला के पास जा रहा हूँ। कब से जो है ना अम्मी जो है ना मेरा वेट कर रही थी और मैं जो है ना अपने व्लॉग अपलोड होने का वेट कर रहा था, तो फाइनली अपलोड हो गया और अभी हम निकल रहे हैं। तो चले अम्मी, ठीक हो गया मेरे ख्याल से, कैमरा इतना ब्लर क्यों है? खैर कैमरा पता नहीं ब्लर क्यों है, कैमरा साफ नहीं है, तो खैर गाइस उसके लिए माजरत, आपको शायद मेरा फेस भी ब्लर दिख रहा हो। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है आपको। सही लग रहा है? फिर अम्मी कह रही है सही लग रहा है, तो मतलब सही लग रहा होगा। तो चले अभी रास्ते से ना आज़ादी मुबारक वाला केक पकड़ लेते हैं, लेकिन अल्लाह करे मिल जाए, क्योंकि बेकरीज वगैरह में ना शॉर्ट हो जाते हैं ऐसे फेस्टिवल्स पे। लास्ट टाइम मदर्स डे पे मैं गया था तो काफ़ी मतलब बेकरीज में ना चॉकलेट केक जो है स्पेशली शॉर्ट हो जाए, और बच्चों को जैसे कि आपको पता है बच्चों को चॉकलेट केक पसंद होता है, तो अभी फाइंड करने की कोशिश करेंगे रास्ते से कि चॉकलेट केक पकड़ लें, उसके ऊपर आज़ादी मुबारक लिखवा दें और जाके हम सेलिब्रेट करेंगे। बाकी भाई भाभी की तबीयत अभी बेहतर है, लेकिन वो जो ना फिलहाल घर से नहीं निकल रहे क्योंकि उनको जो है ना फिलहाल रेस्ट करने की ज़रूरत है, तो इसलिए अभी भाभी भाई और अब्बू घर पे, सिर्फ मेरे अम्मी जा रहे हैं, और मिलते हैं गाइस वहाँ पहुँच के। खुशी को उतारो, ये किसने मारा आपको? खुशी, ये किसने मारा? खुशी आराम से बैठ के सो रही थी, इतनी अच्छी नहीं, आज मैं आके इसे यूं जोर से पकड़ के उठा दिया। अरे मेरी बाल, क्या कर रही हो मेरी बाल पे? तुम उसके बालों पे क्यों ऐसा कर लियो? क्योंकि आएगा खुशी के बालों पे गया था ना, तो फिर खुशी को आया गुस्सा, ये हर वक्त आके ऐसे ऐसे करते। आयो आयो, सुनो सुनो सुनो, आपको खुशी ने मारा ना? हाँ। मैं खुशी को बताता हूँ, ठीक है? किस किस लगा? अच्छा मामू से मिलो, तो सही मामू से 14 अगस्त तुम मिलो, 14 अगस्त मुबारक हो। खुशी को क्या हो गया? ये तो अच्छा, खुशी को बुखार तो नहीं आज? हाँ क्या हो गया? नहीं खुशी को, हाँ क्या हुआ? अच्छा जाओ अंदर लेके जाओ, उसको अंदर लेके जाओ, उसको अंदर जाओ, इसको सुला दो। अच्छा आयत चलेगी, तुम्हें पता मैं सरप्राइज लाया हूँ? हाँ, तो फिर वो कट करना, उसको लगाने आयत को पता नहीं चले, वरना पहले तुम्हें पता ना क्या करती? मुझे केक खाना है। हाँ तो फिर अभी आ जाओ, चुप करके लगाते हैं, मेरी हेल्प तो करो। क्या करूँ? अभी अभी पता नहीं फ्रिज में कुछ देखा है। व्हाट हैपेंड? अच्छा जो मैंने निकाल के रखा हुआ ना वही देख लिया। व्हाट हैपेंड? मेरे ख्याल से खाया तुमने, कम हियर। अरे देखने दो ऑटो। अच्छा हाँ मुझे देखने दो, सही पर छोटा ना। अयो मामू की बात मानो, हटो मामू बोल रहे ना, हटो हटो, तुम्हारा ही हम कट करेंगे। शुक्र है बच गया, नहीं नहीं बस सही बच गया, बच गया। ग्राउंड सेट कर लिया और अभी यहाँ पर जो हम केक कट करेंगे आज़ादी का, और ओ तैयबा नहीं नहीं बस सही है, तैयबा बड़ी मुश्किल से सेट किया, छोड़ दो उसको, छोड़ दे रहे ना, तो जितना हो गया हो गया। तो गाइस ये फ्लैग रखा हुआ था, ये कब लिया था फ्लैग? लास्ट ईयर छुपाया। क्या छुपाया? तो भाई ये बाजा बजा रही थी रात को, तो मैंने छुपा दिया, तो वापस ढूंढ लिया, तुमने छुपाया, ये देखो। नो गाइस अभी सबको इनविटेशन देते हैं, अस्सलाम वालेकुम खाला, वालेकुम सलाम, आजादी मुबारक हो, मुबारक आपको भी, मुबारक हो, खैर मुबारक, अस्सलाम वालेकुम गाइस,
क्या आजादी मुबारक का सही है ना अभी आजादी मुबारक में बस ये बाजे ही बज रहे कानों में। चलो भाई आजादी मुबारक हो एक बार फिर से आपको, सबको आजादी मुबारक। तो भाई ये जो है ना सबको जो है ना मस्तू आजादी मुबारक हो, खैर मुबारक चाचू आजादी मुबारक हो। चलो आ जाओ गाइस बाहर जो है ना छोटी सी सेलिब्रेशन है, आ जाओ। चलो आ जाओ, आ जाओ चाचू, आ जाओ मस्तू, आ जाओ आया, कम 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 नाउ, आई फाउंड द केक। हाँ ले करो, वीडियो बना रहे हैं। आजादी मुबारक लेकर आया हुआ है और 1 2 3 चला चला चला, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे जश्न मुबारक। अल्लाह से मैसेज, कोई मैसेज इस आजादी के मौके पे आपका मैसेज? हमारा पाकिस्तान बहुत अच्छा है, जैसा भी है मुल्क को अपना होता है, बहुत अच्छा है हमारा पाकिस्तान। तो बहुत अच्छा मैसेज दिया खाना ने मुस्तू, और इंशाल्लाह पाकिस्तान की 76 एनिवर्सरी, हाँ 76 एनिवर्सरी है, कम से कम 96 एनिवर्सरी पे ये इंटरनेशनल फुटबॉल के अंदर क्वालिफाई हो। ये अपने मतलब की बात है। तो अम्मी आपका मैसेज हमारा पाकिस्तान बदल। सितारा बाजी आपका क्या मैसेज है? हमारा पाकिस्तान बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है, और सबको जो है ना बस ये दुआ देनी है कि हमारे मुल्क, हमारा मुल्क और तरक्की करे और कामयाबी मिले और बहुत आगे जाए। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। आयो आप क्या मैसेज दोगी? आप ये खाने का मैसेज, आप ये केक का लो, आप केक ऐसे काटते रहो पाकिस्तान में और बस बस केक खाते रहो। अच्छा सही बात, चुप गई थी मैसेज देने के टाइम में, चुप गई थी। अच्छा आपके खाए भाई, एक बार ये बजा दो। वेरी गुड चाचू, आप क्या मैसेज देंगे? मैं तो कहूँगा दिल भी पाकिस्तान, जान भी पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान। माशाल्लाह बहुत प्यारा मैसेज है, इसी पाकिस्तान के अंदर रहेगा, ये तो अजमत है हमारी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया गाइस आप सब ने जो है ना, हमारी पहचान इससे है, ग्रीन पासपोर्ट है, हम पाकिस्तानी है, मुसलमान है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कैंडी है, सब लोग रहते हैं, मसीह रहते हैं, शिया है, सुन्नी है, गैर मुस्लिम है, सब है, सब भाई भाई हो गए यहाँ रहते हैं। वैसे मैं ना आज तक, मैंने एक बात बताऊंगा बहुत फनी है, मैंने आज तक अपना पासपोर्ट भी नहीं बनवाया, तो मुझे इतना आइडिया नहीं बाहर का, ना सीरियसली मैंने जो नहीं बनाया, क्योंकि कभी सोचा नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कभी पाकिस्तान जाना नहीं है, कुछ भी हो जाए पाकिस्तान में रहना है, क्योंकि अपना बोल वैसे ये होता है कि बनवा के रखना चाहिए, आप जाओ ना जाओ ये होना चाहिए, क्योंकि लाइफ कभी भी ऐसा मौका दे तो ना छोड़ना नहीं चाहिए। नई अपॉर्चुनिटीज मिली है बाहर जॉब करने की, लेकिन मैं कहता हूँ पाकिस्तान जो भी, क्योंकि सब कुछ पैसा नहीं होता, लेकिन जो ना अपने अपना मुल्क हो गया, अपनी फैमिली हो गई, अपने हो गए सारे, तो इनके साथ जाना एक अलग, पैसा सब कुछ नहीं होता, तो अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलती है, लेकिन फिर भी अगर घूमने जाना हुआ तो बना लूंगा। घूमने मैं भी वही बात कर रही हूँ, अपना मुल्क मत छोड़ो लेकिन घूमने फिर। हाँ वो इंशाल्लाह जाएंगे। चलो बस ये भाई ये हमेशा हमारे घर में, जो कौन सी ड्राइंग है। तो गाइस हम जो है ना असल आजादी तो आयत मना रही है इस केक के साथ, बर्थडे भी ऐसे मनाती है केक देने का बचता। चलो द नेक्स्ट डे अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर एंड वेलकम हो गया टू द सेम व्लॉग। 14 अगस्त का व्लॉग अभी तक चल रहा है, आसिफ 14 अगस्त मुबारक हो भाई, कल तुम्हें विश नहीं किया था। नहीं 15 अगस्त मुबारक, तो हम तो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ 14 और 15 अगस्त इंडिया को सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि हम इंडिया वाले। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अच्छी आजादी वहाँ है, यहाँ आजादी नहीं है। हाँ चलो मेरी तरफ से भी भाई, मेरी तरफ से भी मेरे तमाम इंडियन भाइयों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और तुम्हें भी मुबारक हो भाई, खैर मुबारक, और तमाम इंडियन भाइयों को बहनों को मेरी तरफ से आजादी मुबारक, उनका भी आज खास दिन है, आज उम्मीद करते हैं वो भी सेलिब्रेट करेंगे। तो इंडियन भाई बुला लो यार, वैसे यार बहुत खूबसूरत है, जाना चाहिए। अच्छा इंडियन अच्छा इंडियन इंडिपेंडेंस डे पे ना मैं नेक्स्ट व्लॉग में ना इंडियन एंथम जो ना सुनाऊंगा, मुझे पूरा आता है, स्टार्ट करूँ स्टार्ट करूँ तो पहले भी सुनाया था जाना मना गाना। नहीं नहीं नहीं
नहीं जन गण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता। गाइस 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 एक चीज है कि भाई अभी आज एक छुट्टी का दिन है तो एक तो बड़ा नुकसान उनसे बच गया, दूसरा जो ना काम सुबह सवेरे ही दे के चले गए। अभी भाई साहब ऑफिस जा रहे हैं, तुमने मुझे काम दे दिया, क्या दिया यार? मेरे भाई पंचर हो गए इस मिस्किन की बाइक यहाँ पार्क होती है तो सुबह सुबह बेचारे को पता नहीं था ऑफिस जाना, तो इसके बाइक ना पंचर निकला। अब जो ना छठा फ्लोर चढ़ के ये नहीं बाइक का पंचर लगा, छठा फ्लोर चढ़ के कि भाई मुझे देने के चाबी ये बाइक का पंचर। वाह होती है हड हरामी ऑन पीक, तो फायरिंग होना हड हरामी की जो पीक होती है ना ये होती है छठा। एक दिन फायरिंग हो पीक तो है। अब आजादी मुबारक हो, 14 अगस्त मुबारक आपको, मुबारक सब। हाँ तो 15 अगस्त है ना, 15 अगस्त मतलब 14 अगस्त वाला ब्लॉग है, 15 अगस्त भी आप मुबारक दे दें। आज 15 अगस्त है, आज 15 अगस्त इंडिया वाले को सबको मुबारक। अच्छा इंडिया का जो है ना, आप ये बताएं इंडिया की सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? इंडिया हाँ इकोनॉमी अच्छी लगती है क्योंकि बहुत अच्छी है उसकी क्रिकेट टीम भी है ना। क्रिकेट है। कौन सा अच्छा प्लेयर आपको लगता है? मुझे तो सब अच्छे लगते। सबसे अच्छा कौन सा लगता है? सबसे अच्छा कौन बता, कोई भी नाम आगे बता दो। नहीं नहीं विराट कोहली। हाँ विराट कोहली, विराट कोहली सबसे अच्छा था। अच्छा था, था तो सचिन तेंदुलकर। सब प्लेयर अच्छे हैं भाई। भाई विराट कोहली जब आता था हम दोनों बैठे थे भाई, जब कूट रहा था हमारी टीम को तो हम गाने दे रहे थे। अच्छा वो उसकी टीम का प्लेयर था जो मार रहा था, उसका काम है मारना। हम लोग बोलते यार ये आउट क्यों नहीं रहा यार, साला आउट हो गया। धोनी भी अच्छा प्लेयर था, धोनी भी अच्छा कप्तान था, उसने भी अच्छा। धोनी की टीम में कितने मैचेस कप जीते उन्होंने, बाकी उसके बाद कप ही नहीं जीता। धोनी के बाद जीते कौन सा कप? नहीं जीता धोनी के बाद। धोनी ने जितवाया सब कुछ। चलो भाई तुम जाओ, तुम्हें ऑफिस जाना, चलो लेट ना जाओ। ओके चले गाइस, मुझे दीजिए इजाजत और यही करूंगा आज का ब्लॉग एंड, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इसके अलावा अगर आपको नेशनल एंथम पूरा सुनना है जितने मेरे इंडियन भाई बहन है, आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और अगर आपको एंथम पूरा सुनना है, मुझे पूरा एंथम आता है और मुझे आता है 2011 से, जब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया 27th मार्च को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मोहाली मैच हुआ था जब हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे, तो वहां से जो ना मुझे इंडिया का नेशनल एंथम याद है। तो अगर आपने सुनना है तो कमेंट से बताएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के अल्लाह हाफिज़।